दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर और एक बार पुनः उपस्थित हैं हम आपके बीच में मुद्दतों बाद आपके लिए एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए, चाहे वह GIC की हो, GDC की हो या फिर UPSC की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है उसके लिए बहुत रिलेवेंट और बेनिफिशियल। पहला प्रश्न इसका करंट अफेयर्स से, ये करंट अफेयर का ही प्रैक्टिस सेट है और पहला प्रश्न जो है हम करंट अफेयर्स से आपको यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। भारत ने गांधी जयंती 2020 के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस तथा 6 स्कूल बसें उपहार में प्रदान की? दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो सही जवाब है वह यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जो सही जवाब है वह है नेपाल। हम आपको बता दें कि गांधी जी की जो 191वीं यानी कि 151 जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसके ओकेजन पर भारतीय सरकार ने नेपाल के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जो हेल्थ और एजुकेशंस के फील्ड में वर्क करते हैं उनके लिए 41 एम्बुलेंसेज और 6 स्कूल बसें प्रोवाइड करी। यह बड़ा ही हमारा नेपाल से ऐतिहासिक पड़ोसी संबंध रहा है। और इसमें दो प्रश्न आपके लिए हो गए कि अभी मान लीजिए प्रश्न पूछ दे कि 2020 में दो अक्टूबर 2020 को गांधी जी कौन सी जयंती मनाई गई, तो वहाँ पर आप कहेंगे 151 बर्थडे। यह एक प्रश्न आपको मिल गया इसके उत्तर से। और दूसरा तो आपको प्रश्न के साथ है कि किस देश को प्रोवाइड किया गया, नेपाल को प्रोवाइड किया गया। यद्यपि कुछ चीज़ें आप अवगत होंगे, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी जैसे विवादित क्षेत्रों को लेकर के नेपाल ने एक बड़ी ही असहज स्थिति उत्पन्न कर दी थी। वर्तमान में हमारे संबंध पुनः सही हो गए हैं। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न जो है वह वर्ल्ड करंट अफेयर से है। प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर लाइट प्रोजेक्टर की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया, निम्न में से किस देश में मैटरहॉर्न पर्वत स्थित है? दोस्तों चार ऑप्शन के अकॉर्डिंगली स्विट्जरलैंड इसका सही जवाब है। स्विट्जरलैंड जो कि प्रमुख यूरोपियन कंट्री है जिन फेमस फॉर नेचुरल ब्यूटी। और आपको हम बता दें कि यहाँ मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगे को, यहाँ यह एक गरिमा और यह सम्मान दिया गया तिरंगे को, और तिरंगे के माध्यम से भारतीयों की स्ट्रेंथ को और उनकी आशा को, उनकी शक्ति को दर्शाने का, उनकी एकजुटता को दर्शाने का यहाँ पर यह प्रयास किया गया। होप एंड स्ट्रेंथ यह इसका मकसद था। तो आप समझ चुके होंगे स्विट्जरलैंड इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न कर यहाँ पर हम उपस्थित हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर हम उपस्थित हैं आपके बीच में लेकर के कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, बनाया गया था, अब हो गया, क्योंकि उस समय जो यह कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा था, जो ये पेंडेमिक जिसे पूरा विश्व प्रभावित था, भारत ने वैक्सीन बना करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी। इन सारी बातों से आप अवगत होंगे। यहाँ पर जो प्रश्न है उसका जो सही जवाब होगा वह है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। भारत ने अपने राष्ट्रीय उद्यान में जो जानवरों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया और वो कार्बेट टाइगर रिजर्व को बनाया, जिम कार्बेट नेशनल पार्क इसका सही जवाब होगा। और अब हम बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सफलाम जल संचय अभियान पुनः शुरू किया गया है? दोस्तों गुजरात में पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में पेयजल और सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिए शुरू किया गया है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। जलाशय बनाकर उनमें बारिश के पानी को संचित करने की प्रक्रिया यहां पर अपनाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं चौथे का सी यानी गुजरात इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों बढ़ते हुए हम आ चुके हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ और मेरा प्रयास सदैव से यह रहा है कि हम आपको उन्हीं प्रश्नों को प्रोवाइड करें जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो, जरूरी हो और उस पैटर्न पर बेस्ड हो। और उसी पैटर्न पर अगला जो प्रश्न है वह है हाल ही में चर्चा में रहा NPR का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों NPR यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं प्रारंभ से ही मैं आपके समय को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नहीं पढ़ता। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR का फुल फॉर्म है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आप समझ चुके होंगे
ए इसका सही जवाब है, पांचवें का ए बिल्कुल सही जवाब है। और इसका मकसद यह है कि सारे जो रेजिडेंशियल इंडियन हैं, जो पूरे भारतीय हैं, वो अपना नाम इसमें अंकित करा सकें। इसको लेकर के यद्यपि आसाम और बहुत सारे राज्यों में बहुत सारा कंट्राडिक्शन हुआ था, जिससे ये बातें प्रकाश में आई थी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR आप समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि कौन सा विश्व कप कब होगा, कहाँ होगा और किस देश में आयोजित होगा, और उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का संकलन मैंने किया है। 19वीं एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों यहाँ चार ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जो इसका सही जवाब होगा वह होगा हांगचाउ चीन। हांगचाउ चीन में 19वां एशियन गेम कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी समय अवधि होगी सितंबर 10 से लेकर के 25, यानी कि 10 सितंबर से 25 सितंबर, लेकिन 2022 में। तो दोस्तों यह हुआ इसका सही जवाब। और एक बात हम आपको और बता दें कि यह जो एशियन गेम्स कंडक्ट हो रहा है चाइना में, यह तीसरी बार हो रहा है, तीसरी बार जो एशियन गेम्स को होस्ट कर रहा है चाइना अपने देश में, थर्ड एशियन गेम्स टू बी होस्टेड बाई चाइना। तो अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह है सातवां प्रश्न, और प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें हम आपको बता दें 29 अगस्त 2019 इसका सही जवाब है। 29 अगस्त जैसा कि आप जानते हैं भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और एक चीज़ और इसके संदर्भ में हम बता दें कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वह किसके बर्थडे के ओकेजन पर मनाया जाता है? तो यह मैजिशियन ऑफ हॉकी ध्यानचंद के बर्थडे के रूप में हम मनाते हैं। ध्यानचंद मैजिशियन ऑफ हॉकी, यानी आपको यहाँ से तीन प्रश्न मिलते हैं, ध्यानचंद स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? 29 अगस्त। एंड हियर यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम 29 अगस्त 2019। अब मुझे लग रहा है सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है आठवां प्रश्न, और आठवां प्रश्न जो है इंटरनेशनल अफेयर्स से है। इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई है? दोस्तों इस तरह का जो वाकया हुआ है वह हुआ है नजीब रजाक जो है मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें 12 वर्ष के लिए जेल में डाला गया है। बहुत सारे करप्शन के चार्जेज हैं उन पे, और मल्टी मिलियन डॉलर करप्शन के चार्जेज उन पर इम्पोज किए गए हैं। एंड बिहाफ ऑफ दैट उनको जो है 12 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई है। बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह पुनः इंटरनेशनल अफेयर्स से है। जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया? दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाला है, यद्यपि भारत यह संबंध ईरान से जोड़ करके अपनी जो स्थिति मजबूत करना चाह रहा था, एक नया रास्ता तय करना चाह रहा था, जिसमें तीन देशों का यह प्रोजेक्ट था, ईरान, भारत और अफगानिस्तान। लेकिन किन प्रकारों या किंचित कारणों से ईरान ने इस परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है? चाबहार पोर्ट परियोजना, जिससे आप अवगत होंगे, ईरान में स्थित है, इससे भी प्रश्न बनते रहे हैं। तो अब इसका जो सही जवाब हुआ वह हुआ ईरान, 9वें का ए बी सॉरी। और अब हम बढ़ चलेंगे 10वें प्रश्न की तरफ, और 10वां प्रश्न पुनः जो है आपका स्पोर्ट्स से है। किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है? दोस्तों जब भी कोई चीज़ें पहली बार होती हैं तो वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वह इंडियन कंसर्न में हो या फिर वर्ल्ड कंसर्न में हो। तो यहाँ पर पहली बार जीता है 19 वर्ल्ड से नीचे यानी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वह बांग्लादेश ने, और हराया किसे है? द फाइनल वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, विच बांग्लादेश ऑन आफ्टर डिफीटिंग इंडिया बाई 3 विकेट्स। तो आप समझ सकते हैं कि 3 विकेट से भारत को हरा करके बांग्लादेश ने प्रथमतः इस चीज़ को, इस वर्ल्ड कप को अपने हाथ में किया है। बांग्लादेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। और यहाँ पर हम बढ़ चुके हैं, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों 2021 की बात की जा रही है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, हाल का प्रश्न है,
हम आपको एक चीज़ बता दें कि यह जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है वह जारी किया जाता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा, और यह 2005 से जारी किया जा रहा है। इसमें करीब करीब 57 कंट्री और यूरोपियन यूनियन के देश रहते हैं जो कि जलवायु संरक्षण संबंधी उपायों के प्रदर्शन पर नज़र रखते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो भारत को रैंकिंग का है सूचकांक से हरदम प्रश्न आते रहे हैं और एक परंपरा सी हो गई। सैन्य अभ्यास और सूचकांक जो है निश्चित रूप से यह एक पैटर्न में सम्मिलित है। मैक्सिमम चीज़ें आप याद करते रहिए। वैसे तो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं निरंतर आपसे जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरा 12वां प्रैक्टिस सेट है, यद्यपि आपको लगातार नहीं मिला होगा। जो हमारे अपने ग्रुप के मेंबर हैं, जो हमारे अपने बच्चे हैं जो हमसे तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें निश्चित रूप से इनके PDF वगैरह प्राप्त होते रहते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं उस पर मैसेज करके बहुत ही न्यूनतम राशि पर आप सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हम प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको नोट्स, प्रैक्टिस सीट और वो सारी गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपकी अनंतिम सफलता सुनिश्चित हो सके। तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल इसका जो आंसर हो गया वह आपको बता दें कि इस बार भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, और यह दूसरी बार लगातार हुआ है जब भारत 10 देशों की सूची में सम्मिलित हुआ है। इससे पूर्व भारत को इस सूचकांक में 9वां स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पर 11 का डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ चलेंगे हम 12वें प्रश्न की तरफ, और 12वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया। दोस्तों यह जो पर्सनालिटी चुनी गई है वह है जो वाइडेन और कमला हैरिस। इन दोनों से आप अवगत होंगे। जो वाइडेन जो अभी 78 वर्ष की उम्र में अमेरिका के सबसे वयोवृद्ध प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया, आप इससे अवगत होंगे। और भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि भारतीय मूल की कमला हैरिस पहली बार अमेरिकन उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। दोनों को टाइम मैगजीन ने अपने टाइम ऑफ द ईयर पर्सन के रूप में नवाजा है 2020 के रूप में, और आप इससे उत्तर से अवगत हो चुके होंगे। 12 का सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ चलेंगे हम 13वें प्रश्न की तरफ, और 13वां प्रश्न जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? फीमेल आइकॉन समझ सकते हैं आप, और यह इस तरह का कार्य करने वाला जो शहर बना है वह है मुंबई। और हम आपको बता दें कि मुंबई का दादर जो है, मुंबई का जो दादर स्टेशन है वहाँ पर, दादर जो चौराहा है वहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स के रूप में फीमेल आइकॉन को सिचुएटेड किया गया है, रखा गया है, दर्शाया गया है। मुंबई इसका सही जवाब हुआ, और हम पर चढ़ेंगे 14वें प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों यहां पर ऑपरेशन बंदर का जो संबंध है, जो चार ऑप्शन यहां पर देख रहे हैं, या उसमें यह बड़ा ही एक सीक्रेट ऑपरेशन था। और इसके संदर्भ में हम एक बात आपको बता दें कि यह जो बालाकोट पर जो टेररिस्ट भारत ने जो अटैक किया था, व्हेन द एयरफोर्स सेंड इट्स पैकेज ऑफ 12 मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट टू अटैक द जैसे मोहम्मद टेररिस्ट कैंप इन बालाकोट, और इसका जो नाम दिया गया था वह दिया गया था ऑपरेशन बंदर यानी कि मंकी, फॉर वाई विच परपजेज टू मेंटेन सेक्रेसी। तो आप इसके आंसर को समझ चुके होंगे, और अब हम बढ़ चलेंगे 14वें का सी इसका जो सही जवाब हुआ, और अब हम बढ़ चलेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। और 15वां प्रश्न जो है यहाँ पर संबंधित है कि किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में सम्मिलित किया है? ऑफिशियल थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज को किस कंट्री ने अपनाया है एज ए हिंदी? भारत के लिए बड़े सम्मान और गौरव की बात है, और यह कार्य करने वाला जो देश है वह है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इंट्रोड्यूस्ड हिंदी एज अ थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज, और यह एक बहुत बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। वहाँ पे जो अरब भाषा और इंग्लिश भाषा के बाद जो तृतीय आधिकारिक भाषा को अपनाया गया है वह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा अपनाया गया है, और भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, पर पेपर में आने वाला प्रश्न है, इसलिए इस सबको ध्यान में रखेंगे। मेरा प्रयास सदैव से यही रहा है कि मैं चीज़ों को समझाते हुए
आपकी ज्ञान की अभिवृद्धि करते हुए आपके मनोमस्तिष्क पर, आपके मानसिक पटल पर उन चीज़ों को अंकित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। यद्यपि यूपीएससी की वैकेंसी में डिले हो रहा है, लेकिन यू हैव नो नीड टू वरी अबाउट इट, डेफिनेटली वैकेंसी तो आएगी ही। आप अपनी तैयारी को ब्रेक न दें, होने दें, और आप निरंतर हमारे साथ लगे रहें और अपने को पुष्पित, पल्लवित और आगे बढ़ाते रहें, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैश करें और अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित करें। बढ़ेंगे हम 16वें प्रश्न की तरफ। भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ? दोस्तों, यह भारत और दो जो देश हैं सिंगापुर, उसके बीच में यह अभ्यास सुनिश्चित हुआ है, और यह 16वें का बी इसका सही जवाब हुआ। भारत और सिंगापुर के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 संपन्न हुआ। आगे बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की तरफ कि देश के पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? हम आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश का जो जिला है ग्रेटर नोएडा, वहाँ पर द कंट्रीज फर्स्ट सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री, और यह जमुना एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा में यह स्थापित किया जा रहा है। 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, 18वें प्रश्न में, और 18वां प्रश्न यहां पर है कि किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया? उसेन बोल्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि उनको उड़ता हुआ चीता कहा जाता है, और यहां पर उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ा है, और किसने छोड़ा है? एलियन माइकल फेलिक्स, यानी कि 18 का बी सही जवाब हुआ। एलियन माइकल फेलिक्स ओली, यह अमेरिका की ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर हैं, जिन्होंने इतने गोल्ड मेडल जीते कि इन्होंने उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। बढ़ चलेंगे 19वें प्रश्न की तरफ, और 19वां प्रश्न पुनः एक ऑपरेशन से रिलेटेड है। ऑपरेशन इंसानियत का संबंध किससे है? दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि इंसानियत के नाते भारत ने बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थियों को जो मदद किया, उसको ऑपरेशन इंसानियत नाम दिया गया था, और यह संबंधित हुआ आपका 19 के बी से। और यह मुसलमानों की समस्याओं से पूरा विश्व अवगत है, आप जानते हैं। एक कुछ दिनों पूर्व मैंने एक प्रश्न बनाया था जिसमें मैंने उल्लेखित किया था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को कहाँ बसाया गया, भाषण चार द्वीप, आप विस्मृत नहीं किए होंगे। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको याद होगा, और हमारे ग्रुप मेंबर को तो निश्चित तौर पर पता होगा। तो भाषण चार द्वीप पर उनको सेटल किया गया, जो कि इंडियन ओशन का एक आइलैंड है, जो चार द्वीप है वहाँ पे। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेशन इंसानियत जो रिलेटेड है वह है उन लोगों के मदद से जो बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान हैं। तो अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, और 20वां प्रश्न, 24-25 तक $5 मिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत जो है प्रमुख आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और यहाँ पर उसको जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए, उसको अपने जो बुनियादी ढांचे हैं उनकी जो बाध्यकारी बाधा है उसको दूर करने के लिए बुनियादी ढांचे पर करीब 1.4 ट्रिलियन खर्च करने होंगे, यानी कि 20वें का सी बिल्कुल सही जवाब हुआ। $1.4 ट्रिलियन यानी कि 20वें का सी यहां पर जो सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ चलेंगे 21वें प्रश्न की तरफ, और 21वां प्रश्न कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में किया गया है। दोस्तों, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जनरल कैटेगरी के लोगों को EWS, जो आप कैटेगरी कह सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेंक्शन, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, जो 2019 में यह व्यवस्था बनाई गई, और यह एक संविधान के 103वें अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि 21 का डी बिल्कुल सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ चलेंगे 22वें प्रश्न की तरफ, और 22वां प्रश्न यहां पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इस तरह के प्रश्न आयोग में आते रहे हैं, चाहे वह GIC हो, चाहे वह GDC हो, चाहे वह UPGC हो, तो इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं। और यहां पर यह प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? दोस्तों, पंडित जसराज इसका सही जवाब हुआ। हम आपको बता दें कि ये जो
क्षुद्र ग्रह होते हैं वह आपको पता है कि किस किस प्लैनेट के अंदर मिलते हैं। अभी एक प्रश्न आप समझ लीजिए, मार्स और जुपिटर के अंतर्गत मिलते हैं, और यह जो प्लैनेट है इसकी खोज हुई थी 2006 में, नवंबर 2006 में, लेकिन 13 वर्षों के बाद इसको रीनेम्ड किया गया और पंडित जसराज जो भारतीय जो आप कह सकते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक के, शास्त्रीय संगीत के जो महाभट्ट हैं, प्रणेता हैं पंडित जसराज, उनके नाम पर उनको ऑनर्ड करते हुए उस क्षुद्र ग्रह का नाम उसको रखा गया है पंडित। 23वां प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका किस राष्ट्रपति पर एक ही कार्यकाल में दो बार महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेस के सदन में पारित हुआ है, यूएस कांग्रेस के सदन में पारित हुआ है। तो इस तरह की नाकाम उपलब्धि जो मिली है, और इस तरह की जो उपलब्धि जिसको कोई लेना नहीं चाहेगा, वह मिली है डोनाल्ड ट्रंप को। और आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने किस किस तरह की चीज़ें वहाँ पर की, और इस संदर्भ में उनको जो है दो बार इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा। और तो इस तरह सबसे 23वें का ये सही जवाब हुआ। आप बढ़ चलेंगे 24वें प्रश्न की तरफ। पोलर प्रोजेक्ट स्थापित होगा तो हम इसका जो सही जवाब बता दें, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध यह बनाया जा रहा है, जो 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना जो 2022-23 में पूरा होगा। तो अब हम बढ़ चलेंगे 25वें प्रश्न की तरफ, और 25वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि गोवा में आयोजित 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए कंट्री इन फोकस किसे चुना गया है। दोस्तों, कंट्री इन फोकस चुना गया है बांग्लादेश को। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने बांग्लादेश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बांग्लादेश को केंद्र में रखा है। तो यहाँ पर बांग्लादेश संबंधित 4 फिल्में दिखाई जाएंगी, और यहाँ पर बांग्लादेश का सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है द पॉपुलेशन माइथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए जो फरवरी 2021 में लॉन्च होगी। तो इसका जो सही जवाब है SY कुरैशी। दोस्तों, SY कुरैशी जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं पूर्व में, और उन्होंने यह पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक में उन्होंने यह बताने का जो डेमोग्राफिकल जो कंडीशन है वह बताने का प्रयास किया है कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ है, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम विकास दर राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करने से जुड़ी है, ये सारी बातें मिथ्या हैं, उन्होंने इस संबंधित डेटाज प्रोड्यूस किया है। और हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, और SY कुरैशी 26 का सी सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ चलेंगे 27वें प्रश्न की तरफ, और 27वां प्रश्न है कि 9 जनवरी 2021 को 62 लोगों को लेकर जा रहा यात्री विमान उड़ान भरने कुछ समय बाद समुद्र में क्रैश हो गया, यह घटना किस देश की है। तो यह दुखद घटना इंडोनेशिया की है। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के बाद श्री विजया एयर विमान समुद्र में क्रैश हो गया। इस विमान में 62 यात्री सवार थे। तो दोस्तों, यह बड़ी दुखद घटना हुई है, और इससे पहले भी इंडोनेशिया में कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं जो बड़ी ही दुखद हैं। इंडोनेशिया इसका सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ चलेंगे 28वें प्रश्न की तरफ, और यथाशीघ्र इसको फाइनलाइज करेंगे, इस प्रैक्टिस सेट को। हाल ही में किस IIT संस्थान ने भारत पहले टेस्टेड तिहान सिस्टम को लॉन्च किया है। दोस्तों, यहां जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें IIT हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब है। इसके द्वारा जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा IIT हैदराबाद में ऑटोनॉमस स्नो संचालन प्रणाली को लॉन्च किया गया। तो इस तरह से IIT हैदराबाद इसका सही जवाब हुआ। और दोस्तों, हम आ चुके हैं 29वें प्रश्न की तरफ, और एक बार पुनः आपसे कहेंगे कि अगर आप अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, दोस्तों चाहे GIC हो, JDC हो या UPSC हो, सारे पैटर्न में GK का इम्पोर्टेंट जो रोल है, GS का जो रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। और एक क्वेश्चन भी अगर आप मिस करते हैं तो आप सफल तक, क्योंकि वहाँ पर जो सिलेक्शन है, यद्यपि GIC GDC में आप देख रहे हैं पैटर्न बदले हुए हैं, बावजूद उसके चारों तरफ आप पाएंगे कि GK और GS के इम्पोर्टेंस को दर्शाया गया है। अगर आप अपनी अंतिम सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उस संदर्भ में हम आपसे ऑलरेडी बातें कर चुके हैं, मेरा डिस्प्ले होते रहता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बहुत ही न्यूनतम राशि में हमसे अपना तैयारी के लिए मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम 28वें 29वें प्रश्न की तरफ, और 29वां
प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फाइव आईज अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है? दोस्तों यह जो घोषणा की है जापान द्वारा चीन का मुकाबला करने के लिए फाइव आईज अलायंस में शामिल होने की घोषणा की गई है। फाइव आईज में यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड ऑलरेडी सम्मिलित हैं। बढ़ेंगे तीसवें प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ, और अंतिम प्रश्न है, दिसंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक चीन विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो हम आपको बता दें कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट द्वारा अमेरिका को छोड़ करके चीन 2028 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2028 इसका सही जवाब हुआ, तीसवें का बी। और इसी के साथ दोस्तों यह करंट अफेयर्स की यह जो प्रैक्टिस सेट है वह समाप्त हुई। उसके बाद निरंतर नए प्रश्नों के साथ, नए जानकारी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा